जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको घर का मेन डोर के बारे में बताया था, तो अब मैं कुछ और यूनिक सा बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये मेरे पास है, तो ये मैंने कैसे मशीन पे काम किया वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये वर्क है जो ये अपने वी बिट से है, 4 mm वी बिट से है। मैं आपको बिट दिखा देता हूँ, ये अपना ये बिट है, देख सकते हो। तो इसका मैंने टूल पाथ कैसे बनाया और कैसे मैंने ये किया मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। और ये है एरिया क्लीनिंग, ये मैंने किया है एंड मिल 2 mm से एरिया क्लीनिंग किया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार हुआ है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है क्या होता है, और एक ही टाइम पे एक्स वाई की पोजीशन ना चेंज करके दोनों फाइलों को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं हम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा पूरा डिटेल में। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ, और सिस्टम की तरफ जाने से पहले मैं आपको हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और भी ऐसे नए वीडियोज़ ला सकता हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे वैसे वैसे आपको थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा और जानकारी भी मैं दे सकूंगा। अगर कोई ये काम सीखना भी चाहता है तो मेरी वीडियो देख के सीख सकता है इसी से, तो इसी पर्पज़ से मैं वीडियो भी बनाता हूं। और आप देख सकते हो किस प्रकार का है ये। अब और तो क्या बोलना आपको, आपको समझ में आ ही जाता होगा कि डिटेल ज़रूरी होती है। तो ये मशीन है, तो आइए चलो वीडियो को करते हैं शुरू और मैं आपको सिस्टम की तरफ लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि सिस्टम पे कैसे फाइल बनाते हैं और फिर यहाँ पे आके कैसे इसको जो फाइल को अपलोड करते हैं और मशीन को कैसे चालू करते हैं। ठीक है, चलो बाय। जैसा कि आप सभी लोग अभी देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हमें है जो इस मटेरियल को जो एरिया क्लीनिंग देना है और लाइन क्लीन करना है, तो हम कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आज। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि ये मटेरियल पे मैंने ये डिज़ाइन की थी, तो कैसे कि वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि टूल पाथ ऐसे लगता है, जैसे हम पहले बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर का हम टूल पाथ देंगे, 2D टूल पाथ देना है हमें। तो हम पहले प्रोफाइल टूल पाथ देंगे, ये हो गया हमारे। तो जैसे कि हमें इसको लाइन के ऊपर ऊपर अपना बिट को चलाना है, जैसे हम 2 mm बिट का यूज़ करेंगे तो 2 mm की फाइल भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ऊपर हमें जो बिट को चलाना है। तो हम पहले अलोंग कर लेंगे, अलोंग करने के बाद इसे जो फिनिशिंग डेप्थ हमें 6 mm तक चाहिए तो 6 mm हम डाल देंगे। उसके बाद में क्लिक टू सेलेक्ट, जैसे कि हमारा बिट कौन सा है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मिल 2 mm का, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मिल 2 mm, देख सकते हो आप सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद इसमें है जो हम फिल करेंगे कि हमें कितना क्या चाहिए मटेरियल के अंदर, साइज डेप्थ कितना क्या चाहिए, तो वो पूरा डालेंगे। तो हम स्टॉप और एक बार में हमें कितना स्टॉप और लेना है, जैसे कि मैं 2 mm बिट ले रहा हूँ तो मैं 2 mm का ही लूँगा स्टॉप और स्टेप डाउन लूँगा 6 mm का, क्योंकि मेरे को 6 mm डीप चाहिए इसलिए मैं 6 mm का लूँगा। और फीड रेट डाल दूँगा 150 12000। तो ये चीज़ें होती है जो मशीन के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, जैसे कि फीड रेट हुआ, प्लग रेट हुआ और स्पिंडल स्पीड हुआ, तो ये सब मशीन के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। आपकी मशीन की कैपेसिटी क्या होती है उसके हिसाब से फिर हमें मटेरियल थिकनेस, जैसे कि मैं मटेरियल ले रहा हूँ ऐसे तो मैं 30 mm का ले रहा हूँ पर मैंने 10 mm ही डाला है, क्योंकि मेरा वर्किंग एरिया और वर्किंग डेप्थ है जो टोटली 3 mm से 6 mm ये ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं जो है 10 mm ही ले रहा हूँ। तो मैं सेटअप कर लूँगा, सेटअप करने के बाद मैं करूँगा कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद इस प्रकार देख सकते हो कि लाइन निकलेगी, ये पूरी लाइन होगी। फिर इसको मैं जो सेव कर लेता हूँ टूल पाथ के अंदर जाके, हमें सेव टूल पाथ करना है। सेव टूल पाथ के अंदर जाके हमें जैसे कि हम बॉर्डर कर रहे हैं तो बॉर्डर नाम से सेव फाइल कर लीजिए। सॉरी, बॉर्डर लिख लिया हमें, ये फाइल हमारे भेजो सेव हो चुकी है, तो हम इसे कैंसिल करके इसको वापस है जो कैलकुलेटर कर देंगे। तो हमें ना लेटर कर दिया, लेटर करने के बाद है जो इसको हम एरिया